किसान भाइयों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कपास की खेती के बारे में। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कपास की खेती कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसके लिए कौन से बीज हमें इस्तेमाल करने चाहिए, बुआई के लिए कौन से उर्वरक हमें डालने चाहिए अच्छी उपज के लिए, या फिर आपके क्षेत्र में कैसा जलवायु होना चाहिए, भूमि की तैयारी कैसे करनी है, इन सारे प्रमुख मुद्दों के किसान भाइयों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आप कपास की खेती करते हो या फिर आने वाले मई और जून में कपास की खेती करने वाले हो तो खासकर आपके लिए ये वाला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में आपके सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हो और अभी तक आपने अगर भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साइड वाले बेल आइकॉन को क्लिक करें। आपके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको तो पता होगा कि कपास की फसल अभी संपूर्ण भारत में एक प्रमुख फसल के तौर पर आगे आ रही है। चीन के पीछे भारत एक दूसरे क्रमांक का देश बन चुका है कपास उत्पादन में। कपास की फसल भारत के लगभग अलग अलग क्षेत्रों में सिंचित या फिर असिंचित ऐसे दोनों क्षेत्रों में की जाती है और जहाँ पर पानी की उपलब्धता है वहाँ पर मई से कपास की बुआई करना शुरू हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि कपास की खेती कब करनी चाहिए, कौन सा जलवायु अच्छा होता है कपास की खेती के लिए। अगर आपके पास सिंचाई की उचित सुविधा है तो आप कपास की बुआई मई में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास सिंचाई की उचित सुविधा नहीं है तो मेरा आपसे एक सुझाव है कि बरसात के साथ कपास की बुआई कर दीजिए। जलवायु की बात करें तो किसान भाइयों, तापमान में कपास की अच्छी बुआई और बढ़वार के लिए लगभग 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान बहुत ही उचित माना जाता है। बात करें वर्षा की तो 50 सेंटीमीटर वर्षा कम से कम जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आप कपास की बुआई कर सकते हो, लेकिन वही वर्षा अगर 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तो वो वर्षा भी आपकी कपास की खेती के लिए हानिकारक मानी जाती है। चलिए अब बात करते हैं भूमि के चुनाव के बारे में। कपास की बुआई के लिए अच्छी जलधारण क्षमता वाली मिट्टी, साथ ही जल निकासी की उचित व्यवस्था होने वाली मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगर आपके क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम होती है तो आपको अच्छी जलधारण क्षमता वाली मिट्टी यानी मटियार भूमि में कपास की बुआई करनी चाहिए। इसी की दूसरी साइड अगर आपके क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है तो आपको बुलाई दोमट मिट्टी में कपास की बुआई करना चाहिए। आपको पता होगा कि हल्की आम्लीय और हल्की क्षारीय भूमि में भी आप कपास की खेती अच्छी तरह से कर सकते हो। बात कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की करें तो किसान भाइयों, कपास की अच्छी उपज के लिए आपकी मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6.5 से लेकर 7.5 के दरमियान होना आवश्यक है। वही बात करें ऑर्गेनिक कार्बन की तो वो 0.5 से लेकर 1 के आसपास होना आवश्यक है। चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं भूमि की तैयारी के बारे में। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि वही चीज़ें हैं जो आप सालों से करते आ रहे हो। आपको पता है कि अगर आप उत्तरी भारत में कपास की खेती करते हो तो आप सिंचाई आधारित खेती करते हो यानी मई से आप शुरू करते हो। इसके लिए आपको पहले ज़मीन को सिंचाई देने की आवश्यकता है, फिर भूमि की तैयारी करें जैसे कि गहरी जुताई करना। वहीं दूसरी ओर अगर आप दक्षिण और मध्य भारत में खेती करते हो तो आपको वर्षा के आधारित खेती करनी चाहिए यानी 1-2 अच्छी वर्षा होने दें, उसके बाद में भूमि की तैयारी करें। चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं कपास की बुवाई के लिए कुछ उन्नत किस्में के बारे में। कौन से मार्केट में ऐसे उन्नत किस्में हैं जिसे आप खरीद कर कपास की बुवाई कर सकते हो और काफ़ी कम खर्चे में काफ़ी कम दिनों में अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हो। पहले नंबर पर आती है राशि 659 BG2। ये किस्म मध्यम भारी मिट्टी में लगाई जाने वाली किस्म है। इसके अगर टिंडे यानी बॉल देखें तो वो बड़े आकार के होते हैं। ये किस्म लगभग 145 से लेकर 160 दिन के अंदर निकल जाती है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो राशि NEO BG2, ये किस्म बहुत ही अच्छी है। ये किस्म हल्की से लेकर मध्यम मिट्टी में लगाई जाती है। अगर टिंडे यानी बॉल की बात करें तो वो भी इसके बड़े आकार के होते हैं। ये किस्म लगभग 140 से लेकर 150 दिन के अंदर पे निकल जाती है। ये किस्म खासकर किसान भाइयों चीसो कीटों के लिए एक प्रतिरोधक किस्म मानी जाती है। बात करें तीसरे नंबर की तो किसान भाइयों निजी विडू भक्ति, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये किस्म भारी मिट्टी में लगाई जाती है। इसके अगर टिंडे यानी बॉल अगर देखें तो वो मध्यम आकार के होते हैं। ये किस्म लगभग 140 दिनों के अंदर निकल जाती है। इसकी एक स्पेशलिटी बताऊँ तो ये अमेरिकन और गुलाबी बॉलवर्म के लिए प्रतिरोधक किस्म मानी जाती है।
चौथे नंबर पे बात करते हैं कावेरी जादू बीजी 2 के बारे में। ये किस्म भी हल्की से मध्यम मिट्टी में उगाई जाने वाली किस्म है। मध्यम आकार के बॉल होते हैं, 155 से लेकर 170 दिन के अंदर में ही निकल जाती है। और ये भी किस्म किसान भाइयों रस चूसक कीट यानी जो चूसक कीट होते हैं अलग अलग इनके लिए ये रेजिस्टेंट वैरायटी यानी प्रतिरोधक किस्म है। पांचवें नंबर पे आते हैं कावेरी मनी मेकर। ये किस्म भारी मिट्टी में लगाई जाती है, इसके भी बड़े बॉल होते हैं। अगर दिनों की बात करें तो 145 से लेकर 160 दिन के अंदर निकल जाती है। छठवें नंबर पे आती है आदित्य मोक्ष। भारी मिट्टी में लगाई जाने वाली किस्म है, इसके बड़े बॉल होते हैं। 145 से लेकर 160 दिनों के अंदर ये भी किस्म निकल जाती है। सातवें नंबर पे आती है निजी विडू गोल्ड क्वाट। बहुत ही अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों, खासकर भारी मिट्टी में लगाई जाने वाली किस्म है। इसके जो बॉल होते हैं टिंडे होते हैं वो मध्यम आकार के होते हैं। 155 से लेकर 160 दिन के अंदर ये फसल कटाई के लिए आती है। आठवें यानी आखिरी नंबर पे आती है अजीत 155 बीजी 2। ये किस्म किसान भाइयों मध्यम हल्की मिट्टी में उगाई जाने वाली किस्म है। इसके बॉल देखें तो मध्यम आकार के बॉल होते हैं और 140 से लेकर 150 दिन के अंदर ये भी किस्म निकल जाती है। बहुत सारे किसान हमें बीज दर के बारे में भी पूछते हैं। बीज दर देखें तो लगभग 2 पैकेट आपको एक एकड़ के लिए लग सकते हैं, यानी 900 ग्राम सीड बीज आपको एक एकड़ की बुआई के लिए आवश्यक है। किसान भाइयों यहाँ पर मैं आपको एक स्मार्ट टिप देना चाहूँगा, कभी भी बुआई बिना बीजोपचार के ना करें। जी हाँ, बीजोपचार करके ही बुआई करें, इसका फ़ायदा आपको बुआई के बाद दिखाई देगा। शुरुआती अवस्था में जो भी मिट्टी जनित अलग अलग रोग होते हैं उसको अगर अपने बीजों को बचाना है, बीजों का अच्छा अंकुरण करना है तो बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार करने के लिए मैं आपको 2 यहाँ पर प्रोडक्ट सजेस्ट करूँगा। विटावैक्स पावर आप ले सकते हो 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, उसके ऊपर लगाए और उसके बाद बुआई करें। या फिर आप सिक्सर जैसा कवकनाशी भी ले सकते हो, उपयोग की मात्रा है 3 ग्राम प्रति किलो बीज। चलिए किसान भाइयों अब बात करते हैं बुआई के समय हमें पंक्ति से पंक्ति की और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है। मैं अलग अलग आपको तीन डायमेंशन बताऊँगा, आप नोट कर लीजिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 120 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी आप 60 सेंटीमीटर रख सकते हो। यही दूसरा ऑप्शन है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 90 सेंटीमीटर। या फिर तीसरा ऑप्शन है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी आप 45 सेंटीमीटर रख सकते हो। चलिए किसान भाइयों अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। अच्छी बढ़वार के लिए आपको कितने उर्वरक अपनी मिट्टी में मिलाने चाहिए, कुछ आंकड़े मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं होंगे क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपके मिट्टी में कौन से उर्वरक ऑलरेडी है। इसके लिए सही तरीका क्या है, अपनी मिट्टी का परीक्षण करें और उसके बाद डिसाइड करें कि कौन से उर्वरक ऑलरेडी है और कौन से उर्वरक हमें ऊपर से डालने की आवश्यकता है। फिर भी एक एवरेज में मैं आपको बता देता हूँ, कपास की अगर उन्नत किस्म आपने लगाई है तो 1 हेक्टर के लिए आपको 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटाश की मात्रा देनी होती है। सल्फर की मात्रा आपको 25 किलोग्राम इसमें मिलानी है, ये एडिशनल होता है। अगर आपने संकर और बीटी किस्म लगाई है तो इसके लिए आपको 1 हेक्टर के लिए नाइट्रोजन 150 किलोग्राम, फॉस्फोरस 75 किलोग्राम और पोटाश 40 किलोग्राम देने की आवश्यकता होती है। सल्फर आपको 25 किलोग्राम पर्याप्त होता है। अभी ये सारी मात्राएं एक लाइफ साइकिल के लिए है, यानी उसके पूरे जीवन क्रम में आपको इतनी मात्राएं देनी है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी मात्राएं एक बार खेती में अपनी मिट्टी में मिलाओ, इसको जितनी ज़्यादा बार बांट सको बांटो और अलग अलग अवस्था में आवश्यकता अनुसार अपनी फसल को देना है। इसमें से किसान भाइयों एक चीज़ का ध्यान रखना है, सल्फर की जितनी भी मात्रा है वो आपको बुआई के समय ही देनी है और इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसमें से 15% मात्रा आपको बुआई के समय और उर्वरित जो भी मात्रा है आपको अलग अलग यानी 30, 60 और 90 दिन के अंतराल पर बांट के देनी है। वही बात करें फॉस्फोरस की तो आधी मात्रा आपको बुआई के समय और बची हुई मात्रा आपको बुआई के 60 दिन के बाद देनी है। लेकिन किसान भाइयों सिर्फ रासायनिक उर्वरक पर निर्भर रहना कभी भी सही नहीं है, आपको जैविक उर्वरक भी डालने की बहुत आवश्यकता है। अगर आप गोबर की खाद, केंचुआ खाद, मुर्गी की खाद आदि खादें अगर अपने खेत में मिलाते हो तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए किसान भाइयों ये थी शुरुआती कपास की कुछ जानकारी। अगर इसके बाद कभी भी आपको कपास के बारे में कुछ भी जानना हो तो भारत एग्री ऐप या फिर भारत एग्री कृषि दुकान वेबसाइट को भेज दे। ये वीडियो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक अगले नए दिन पे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।